पाक अधिकृत कश्मीर पर कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। जोर देकर कहा गया था कि पीओके फिर अपने कब्जे में लिया जाएगा। अब रक्षा मंत्री के बयान पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपना रिएक्शन दिया है। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार का जो भी आदेश रहेगा उसका पालन किया जाएगा। रक्षा मंत्री गेव द स्टेटमेंट अबाउट द पीओजे के एज यू आर अवेयर दैट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द सब्जेक्ट सो देयरफॉर इट्स नथिंग न्यू इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन As far as Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इससे पहले भी समय-समय पर सेना की तरफ से ऐसी हुंकार भरी गई है। वैसे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर भी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आतंकी इस समय बौखला गए हैं, इसी वजह से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। लेकिन उनके मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।